एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आइए देखते हैं एक बड़ी अपडेट, बिहार शिक्षक बहाली परीक्षा, जाने कैसा होगा सवाल और क्या होगा पैटर्न, किस दिन आएगा सिलेबस। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिहार में टीचर बनने की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य में इस महीने टीचर बहाली प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर ली गई है। राज्य में नई नियमावली के तहत अब शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन बीपीएससी के तहत होगा। वहीं पहली बार बीपीएससी के जरिए हो रहे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल, अब इन्हीं सवालों का जवाब आयोग के तरफ से दिया जाएगा। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से आयोजित होने वाली टीचर बहाली परीक्षा में शिक्षक अभ्यर्थी के लिए पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेगा। यह परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। चार विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिसका सही जवाब देना होगा। निगेटिव मार्किंग को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं बनाई गई है। यह परीक्षा प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा के तरह ही होगी। हाल में इसकी विस्तार से जानकारी आयोग के द्वारा जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं आयोग की ओर से बताया गया है कि मई के अंत तक विज्ञापन आएगा, उसके बाद एक ही महीना अभ्यर्थियों को आवेदन देने और उसे त्रुटि सुधार के लिए मिलेगा। जून के अंत तक ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, फिर करीब डेढ़ महीने का समय एग्जाम की व्यवस्था में लगेगा। और इस तरह देखा जाए तो बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अगस्त महीने में होने की संभावना है। आपको बताते चलें कि बिहार में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब 1,78,026 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी परीक्षा लेने की तैयारी में जुट गया है। इसको लेकर अगले 10 दिन में बीपीएससी को सरकार से अधियाचना मिल जाने की संभावना है। बीपीएससी के सचिव रवि भूषण ने बताया कि विज्ञापन का प्रारूप आयोग के द्वारा पहले ही तय कर लिया गया है। इस महीने के अंत तक विज्ञापन आने की पूर्ण संभावना है। तो इस तरह नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और अगस्त में एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है बीपीएससी का। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बनाए रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के शिक्षा विभाग से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।